गाइस, रियलमी एक्स या वीवो जी वन प्रो कौन सा फ़ोन खरीदूँ? एक सिंपल सा सवाल है, बट जवाब सिंपल नहीं। अगर आप फैन बॉय नहीं हो तो ये बेस्ट है, ये ले लो, ऐसा आप नहीं बोल सकते। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं एंड कॉन्स भी हैं। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ दूध का दूध और पानी का पानी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो, ये कंपैरिजन ऑनेस्ट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। सबसे पहले लुक एंड बिल्ड, एक 15,000 रुपये का, दूसरा 17,000 रुपये का। दोनों में प्लास्टिक बॉडी मिलता है और दोनों ही प्रीमियम लगता है। एक तरफ है डुअल टोन्ड कलर इफेक्ट, ग्लॉसी बॉडी, ट्रिपल कैमरा सेटअप, सामने पंच होल कैमरा, मतलब शो ऑफ में मजा आएगा। और दूसरी तरफ है एलिगेंट दिखने वाला परफेक्ट शेप वाला पॉपअप कैमरा के साथ, इसे भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। गाइस, दोनों में से आप कोई भी पिक करोगे आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। तो गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं रियलमी एक्स पिक करूंगा। ये कॉम्पैक्ट है और 10 ग्राम वजन भी कम है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। बटन्स भी बहुत परफेक्ट पोजीशन पे है, चाहे पावर बटन हो चाहे वॉल्यूम बटन, आसानी से आप इसे हैंडल कर लोगे। एंड गाइस, Z1 Pro की बात करूँ तो वॉल्यूम बटन थोड़ा सा ऊपर के साइड पे मिलता है, क्योंकि राइट साइड में आपको एक स्पेशल बटन मिलता है गूगल असिस्टेंट के लिए। अगर आप गूगल असिस्टेंट अक्सर यूज़ करते रहते हो तो आपको ये बटन बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा और इसे आप बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो। रियलमी एक्स आपको ऑफर करता है 128GB स्टोरेज, 4GB रैम के साथ। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ 17,000 रुपए में। वाओ, 128GB और दो सिम कार्ड आप इसमें एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन आप अपना माइक्रो एसडी कार्ड किसी सेफ जगह पे रख देना, क्योंकि ऐसा कोई स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइज, वीवो Z1 Pro 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको ऑफर करता है 15,000 रुपए में। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें दो सिम कार्ड के साथ आप अपना माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा स्लॉट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताना। गाइज, Z1 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलेगा और Realme X में 710। डे टू डे यूज़ में आपको कोई भी नोटिसेबल फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों में आप PUBG खेल सकते हो HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट के साथ बिना किसी इशू के, और ना ही आपको कोई हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। आप आराम से 2-3 घंटे तक PUBG खेल सकते हो। दोनों में ज़्यादा क्विक कौन है, अगर आपको ये जानना है तो स्पीड टेस्ट मैंने कर दिया है दोनों का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Realme का कलर ऑइस या Vivo का फन टच ऑइस आपको बोरिंग लग सकता है, पसंद नहीं आ सकता, पर परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेन नहीं होगा। दोनों ही स्मार्टफोन फास्ट है, क्विक है, स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है एंड बहुत सारे यूजफुल फीचर्स आपको इन दोनों स्मार्टफोन में दोनों ओएस में देखने को मिल जाएगा। गाइस, कलर ओएस एंड वीवो Z1 Pro के फीचर्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइम मिले तो देख लेना। स्नैपड्रैगन 712 के साथ वीवो ने Z1 Pro को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। लेटेस्ट अपडेट के बाद बैटरी लाइफ में और भी इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। वैसे Z1 Pro में आपको एडवांटेज मिलता है, 5000mAh की बैटरी मिलती है। रियलमी एक्स का 3765mAh का बैटरी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आसानी से आपको 4-4.5 घंटे का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा Z1 Pro में। गाइज, मैंने 3 घंटा यूट्यूब, 2 घंटा PUBG, 1 घंटा एसफॉल 9 म्यूजिक, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, टोटल 8 घंटे तक लगातार दोनों फोन को यूज़ किया और 8 घंटों के बाद रियलमी एक्स डेड एंड Z1 Pro में 38% या 39% बैटरी लेफ्ट बचा। यानी बैटरी में और परफॉर्मेंस में Z1 Pro विनर है, क्योंकि आफ्टरऑल Z1 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलता है। सॉफ्टवेयर में अगर मुझे दोनों में से कोई एक पिक करना पड़े तो मैं कलर वाइज पिक करूंगा, क्योंकि इसमें ऐप ड्रॉअर मिलता है एंड कहीं ना कहीं ये एंड्रॉयड जैसा ही है, लेकिन फन टच ओएस iOS से इंस्पायर्ड है, या कह सकते हैं आप iOS का कॉपी कैट है। गाइज, आपको ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलेगा। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन पैनल स्वाइप डाउन करना पड़ेगा और क्विक टॉगल चेक करने के लिए आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फन टच ओएस के साथ मैं इतना कंफर्टेबल अभी तक नहीं हुआ और यही रीज़न है मैं बार बार रियलमी एक्स में अपना सिम डाल लेता हूँ। गाइज, सॉफ्टवेयर की बात चलिए तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये 2019 का एंड चल रहा है और इस पॉइंट को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। Realme ने अब अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन का कर्नल सोर्स और बूट लोडर अनलॉकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है एंड डेवलपर्स अब Realme के फ़ोन्स पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और फ्यूचर में मुझे लगता है कि एंड्रॉयड आर बेस्ड पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम में Realme X में इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन Vivo Z1 Pro में नहीं। एंड गाइज, कैमरा टू API की बात करूँ तो कैमरा टू API बाय डिफ़ॉल्ट Realme X में इनेबल्ड है और हार्डवेयर सपोर्ट लेवल दिख रहा है फुल, यानी मैं GCam इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर भी लिया है। लेकिन Z1 Pro में मुझे दिखा है कैमरा टू API का हार्डवेयर सपोर्ट लेवल लिमिटेड, यानी इसमें शायद GCam काम ना करे। वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है।
गाइज अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा आपको वाइड एंगल लेंस के साथ और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे आप अमेजिंग सेल्फीज ले सकते हो Z1 Pro में, जो कि बहुत ही नेचुरल दिखते हैं। दूसरी तरफ Realme X पे आपको 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। एंड गाइज दोनों में से आप किसी एक फोन को कैमरा डिपार्टमेंट में सिंपली विनर नहीं कह सकते। सेल्फीज की बात करूं तो मुझे Vivo Z1 Pro बेटर लगा, कलर्स बहुत ही नेचुरल दिखे। दूसरी तरफ Realme X में कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड दिखा और फेस भी थोड़ा ज्यादा गोरा दिखा। एज डिटेक्शन दोनों में ही ओके है, Realme X को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन सेल्फीज के लिए मैं पिक करूंगा Z1 Pro को। गाइज रियर कैमरे में भी Z1 Pro मस्त लगा मुझे। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वाला शॉट्स अमेजिंग लगा, स्पेशली लैंडस्केप एंड ग्रुप फोटोज के लिए परफेक्ट है Z1 Pro। गाइज रियर कैमरे से लिए गए शॉट्स में भी कलर्स बहुत अच्छे आते हैं Z1 Pro में, और दूसरी तरफ Realme X से आप अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल वाले शॉट्स ले सकते हो। कलर्स थोड़े से पंची जरूर लगते हैं, लेकिन ज्यादा शार्प, ज्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगा Realme X। एंड गाइस वाइड बैलेंस की बात करूं तो कहीं कहीं मुझे Realme X का वाइड बैलेंस ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा परफेक्ट लगा Z1 Pro से। गाइस Realme में मुझे मैक्रो शॉट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ फोकस में, लेकिन ओवरऑल कैमरे का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है। गाइस नाइट शॉट्स की बात करूं तो Realme X बेटर लगा मुझे, और स्लो मोशन रिकॉर्डिंग में भी 960fps स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आपको Realme X में मिल जाता है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन से आप स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइस कैमरा के बारे में आप ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो मैंने दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, Z1 Pro में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ Realme X में अमेजिंग AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। गाइज मैंने अभी रिसेंटली बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, जिसमें दोनों स्मार्टफोन में मैंने 50% ब्राइटनेस लेवल कर दिया था और लोग कंप्लेन कर रहे थे मैंने जानबूझकर Z1 Pro का ब्राइटनेस लेवल कम रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी आपके सामने दोनों में मैं 50% ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ और साथ में 100% भी आपको पता चल जाएगा दोनों में से किसका डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। गाइज अब म्यूजिक एंड साउंड, हेडफोन की बात करूँ तो दोनों ही ओके लगा मुझे, बट स्पीकर में Realme X ज़्यादा लाउड है, स्पेशली पबजी में। सैंपल खुद सुन लो। गाइज नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में भी मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, एंड जहाँ मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ मुझे वाईफाई कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। Realme 3 Pro, Max Pro M1, M2, कुछ और भी मॉडल्स हैं मुझे याद नहीं, इन सारे फ़ोन्स में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मुझे जब भी कोई टेस्ट करना पड़ता है तो मैं जियो का सिम कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे इन दोनों फ़ोन्स के साथ कोई इशू नहीं हो रही है और मेरा वाईफाई परफेक्टली काम कर रहा है।
गाइस पॉपअप कैमरा हो या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ये एडवांटेज तो नहीं है पर ये कूल लगता है। एंड पॉपअप कैमरा की अगर बात करूँ तो ये पंच होल कैमरा से मुझे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये स्टाइलिश भी लगता है, इमर्सिव लुक भी मिलता है आपको और वीडियोज़ भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप इंजॉय कर सकते हो। एंड गाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी कूल लगता है और नया टेक्नोलॉजी है, आपको यूज़ करने में मज़ा भी आएगा, तो इस डिपार्टमेंट में रियलमी एक्स विनर है। वैसे फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन क्विक है, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा। गाइस 2000 रुपये के बजट में वीवो जो स्पेक्स एंड फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है ये अनबीटेबल है, और रियलमी एक्स में 2000 रुपये आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और साथ में बैटरी एंड प्रोसेसर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलता है अमेजिंग एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा, और उसके साथ 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी। लेकिन गाइस वीवो Z1 प्रो में भी आपको मिलेगा 18 वॉट का फास्ट चार्जर, ये बात भी आप मत भूलना। गाइज मैंने सारा डिटेल, सारे एडवांटेजेस, सारे डिसएडवांटेजेस आपके सामने रख दिया है, अब आप फैसला कर सकते हो दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए परफेक्ट है। एंड गाइज कुछ और डिटेल के लिए मैंने दोनों का जो भी कंपैरिजन वीडियो किया है सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कुछ और वीडियोस भी देख लो ताकि आपके जो बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और ऐसे वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड गाइज देखते रहिए iPhone Unboxed।